तो कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, गर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इंकलाब लिखा जाता है। हाँ भाई, तालियां बजा सकते हो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस साल सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई है एनिमल, और इस फिल्म में जो सीक्रेट फैक्टर था वो था हमारी भाभी टू का, मतलब तुम्हारी। अब जो तृप्ति डिमरी इस फिल्म में सरप्राइज बनकर हमारे सामने आई है, लड़की की एक्टिंग हम इम्तियाज अली की फिल्म लेला और मजनू में भी देख चुके हैं, और भी फिल्में हैं जैसे बुलबुल और कला। अब कल ही के दिन धर्मा प्रोडक्शन ने धड़क 2 फिल्म का अनाउंसमेंट किया। हाँ भाई, धड़क 2। खैर, धड़क का पहला पार्ट मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि फिल्म मराठी फिल्म सैराट की रिमेक थी। अब ईशान कट्टर का काम ही मुझे वहाँ पर ठीक ठाक लगा। अब जहाँ मराठी फिल्म जिसने देखी नहीं थी इसलिए उन्हें धड़क फिल्म अच्छी लगी, और 55 करोड़ में बनी फिल्म ने 110 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया। इस फिल्म का डायरेक्शन धर्मा प्रोडक्शन ने शशांक खेतान को दिया था, जो कि बिल्कुल गलत फैसला था। अब वहीं धड़क का सेकेंड पार्ट का अनाउंसमेंट भी हो चुका है, और गुरु मैं इस फिल्म के लिए काफ़ी सीरियस हूँ क्योंकि इस बार धर्मा प्रोडक्शन ने डायरेक्टर की कमान शाजिया इकबाल को दी है। वही करण जौहर का कहना है कि फिल्म की कास्टिंग से लेकर कहानी को भी हम एक नया नज़रिया देने वाले हैं। अब अगर आप नहीं जानते हो तो शाजिया इकबाल कौन है, तो इन्होंने 2018 में नवाजुद्दीन के साथ सिर्फ 20 मिनट की शॉर्ट मूवी दी थी, जिस फिल्म ने सभी को चौंका दिया था। बाकी बात कर लेते हैं कास्टिंग काउच की, तो तृप्ति डिमरी के साथ रोल प्ले करेंगे सिद्धांत चतुर्वेदी, जिन्होंने गली बॉय में अपनी एक्टिंग से सबको चौंका दिया था। और अगर कहानी की बात करें तो फिल्म का प्लॉट कास्ट सिस्टम पर डिपेंड होने वाला है, वही जात और परजात वाला सिस्टम, जहां एक दलित लड़के को उसके अपर कास्ट की लड़की से प्यार हो जाता है। मेकर्स इस अनाउंसमेंट में राइट टू एजुकेशन का रिवॉल्यूशन देने वाले हैं कि कैसे तुम अपनी छोटी सोच रखकर किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर देते हो। अब यह अनाउंसमेंट में दोनों का भी नाम रिवील किया है, और साथ ही साथ दोनों की केमिस्ट्री देखकर मुझे तो इन पर दिल आ गया गुरु, क्योंकि बहुत दिनों से कोई रोमांटिक मूवी रिलीज नहीं हुई थी और ना मैंने देखी थी, और ना ही कोई ऐसी फिल्म बना पाया जो आज तक दिल को छू जाए। अब मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी फिल्म बना दे जो आशिकी 2 जैसी हो और उसके आसपास भी हो तो भी चलेगा, और मुझे इस फिल्म से पूरी उम्मीद है। खैर, छोटे से अनाउंसमेंट से तो यह समझ आ गया है कि मेकर्स कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं बना रहे, हमारे सामने एक अच्छी फिल्म बनकर तैयार होने वाली है। और तो और, वो लास्ट में इतना प्यारा, कानों को सुकून देने वाला वो जो गाना है, वो जो मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत, मतलब मेरी उम्मीद उससे कई ज़्यादा गुना बढ़ चुकी है। खैर, मैं चाहता हूँ कि फिल्म अच्छी बने और खूब चले, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत टाइम से एक अच्छी फिल्म नहीं आई है। वहीं फिल्म की रिलीज डेट भी बेकर्स ने बताई है कि अब अगर सब सही चला तो इसी दिन फिल्म थिएटर में रिलीज होगी और हमें देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी हमारी वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।